नमस्कार। एक वक्त मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी बड़े पर्दे पर राज करती थी। मुमताज ने फिल्मी दुनिया के पहले सुपरस्टार के साथ मिलकर कई यादगार फिल्में दी। उनका करियर जब पीक पर था तब उन्होंने साल 1974 में कई अभिनेताओं का दिल तोड़ते हुए बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली। मयूर से शादी के बाद मुमताज फिल्मों से दूर होती चली गईं और एक वक्त पर उन्होंने फिल्मों को अलविदा ही कह दिया। लेकिन मुमताज का कहना था कि अब उन्हें मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्में नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ या आंटी का किरदार निभाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज ने फिल्मों में अपने कमबैक को लेकर कहा था, मैं शाहरुख खान की मम्मी या अक्षय कुमार की आंटी नहीं बनना चाहती। हर किसी का अपना समय होता है, मेरा समय बीत चुका है। साल 2008 में आईफा की तरफ से मुमताज को सम्मानित किया गया था। उस दौरान भी उनसे फिल्मों में कमबैक को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, अब वो इतनी आलसी हो चुकी हैं कि फिल्में नहीं कर सकती। मुमताज जब अपने करियर के पीक पर थी तब कई अभिनेताओं का उन पर क्रश था। उसी दौरान उन्होंने मयूर से शादी का फैसला किया, जिसे सुनकर खुद राजेश खन्ना बेहद नाराज हुए थे। इस बात को लेकर मुमताज ने कहा था, मैं खुश नसीब थी कि लोग मुझसे शादी करना चाहते थे, आकर्षण था, लेकिन मैंने कभी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, 9 बजे स्टूडियो जाना होता था, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां थी कि किसी के साथ अफेयर के लिए वक्त नहीं था, मेरे पास रोमांस का वक्त नहीं था। मयूर से शादी के बाद मुमताज विदेश में बस गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया था जब उनके पति का किसी और से अफेयर हो गया था, लेकिन मुमताज ने उस मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना किया और उनके पति उनके पास वापस लौट आए। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।